नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का महादेव क्लासेस में। दोस्तों, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि जो अभी केबीसी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसके बाद क्या होता है, कितने लोगों को चुना जाता है, सेकेंड राउंड में क्या पूछा जाता है, सेकेंड राउंड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है। तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब लेकर मैं आई हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। पूरी जानकारी जानने के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रात 9 बजे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर मैं सबसे पहले देने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड अभी ये चल रहा है कि रात 9 बजे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 9 मई से लेकर के 22 मई तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो है कुल 43,949 लोग ही सिलेक्ट हो पाएंगे। इतने लोग सिलेक्ट जब हो जाएंगे तो उसके बाद 16 मई से आपके पास कॉल आना चालू हो जाएगा। ये कॉल IVR के द्वारा, यानी कि इंटरनेट के द्वारा फ़ोन आएगा आपके पास, आपके आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इसमें अगर आप फ़ोन आता है KBC की तरफ से, अगर कॉल आता है, आप किसी का व्यस्त हैं या पास में नहीं है, फ़ोन आता है, फ़ोन आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए दो बार कॉल और किया जाएगा। और ये दो बार कॉल आधे आधे घंटे के अंदर किया जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब फ़ोन आएगा, आपने फ़ोन रिसीव किया है, तो आपका वो पहले वेलकम होगा, मतलब इस तरीके से बोला जाएगा कि आपका KBC में स्वागत है, इस तरीके से बोला जाएगा। उसके बाद कहा जाएगा कि कॉल जारी रखने के लिए भाषा के विकल्प को चुनिए। अगर आप हिंदी चुनना चाहते हैं, तो हिंदी के लिए आपको 1 टाइप करने के लिए कहा जाएगा और इंग्लिश के लिए 2। तो हिंदी में अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको 1 टाइप करना होगा, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको 2 टाइप करना होगा। उसके बाद है, आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आपने KBC में पंजीकरण किया है। अगर किया है तो आपको हाँ के लिए 1 दबाना होगा, नहीं के लिए 2 दबाना होगा। अगर आप नहीं के लिए 2 दबा देते हैं तो कॉल समाप्त हो जाएगा, आगे की राउंड के लिए आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर आपने KBC में भाग लिया है तो आपको हाँ के लिए ही टाइप करना होगा, हाँ के लिए आपको 1 दबाना होगा। उसके बाद यह पूछा जाएगा आपसे, क्या आप नेत्रहीन हैं। अगर नेत्रहीन हैं तो उसके लिए आपको 1 दबाना होगा, अगर नेत्रहीन नहीं है तो उसके लिए आपको 2 दबाना होगा। उसके बाद कॉल जारी रखना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी उम्र कितनी है। मान लीजिए आपकी उम्र 25 वर्ष 11 महीने है, तो आपको मोबाइल के कीपैड में 25 वर्ष ही लिखना है, 11 महीने नहीं, ऐसे 25 लिखकर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, क्या आप पुरुष हैं, महिला हैं या फिर अन्य हैं। पुरुष के लिए आपको कीपैड पे 1 टाइप करना होगा, और अगर महिला है तो महिला के लिए आपको कीपैड पे 2 टाइप करना होगा, और अन्य है तो आपको कीपैड पे 3 टाइप करना होगा। उसके बाद जो है आपको आपसे ये पूछा जाएगा, क्या आप ग्रेजुएट हैं या नहीं। अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के लिए आपको 1 टाइप करना होगा, गैर स्नातक हैं तो गैर स्नातक के लिए आपको 2 टाइप करना होगा मोबाइल के कीपैड पे। उसके बाद आपका व्यवसाय पूछा जाएगा, क्या आप पेशेवर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जो भी चीज़ है उसके लिए आपको जो भी बटन दबाने के लिए कहा जाएगा आपको वो बटन दबाना है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पिछले सीजन KBC में आपने भाग लिया था। अगर भाग नहीं लिया था तो उसके लिए नहीं के लिए आपको 2 दबाना होगा, हाँ के लिए 1 दबाना होगा। उसके बाद जब ये सारी बात आपको पूछ लिया जाता है तो कॉल को तत्काल पूछने के बाद उसके बाद आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। आपसे 2 क्वेश्चन समान ज्ञान पे पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछने के बाद तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपके। 2 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे पहले, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिया जाएगा, उसके लिए समय सीमा दी जाएगी। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है निकटतम संख्या पे पूछा जाएगा, जैसे कि कलकत्ता से आगरा की दूरी कितनी है,
पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है। तो आपको जैसे कि दिल्ली से पटना की दूरी जो 1852 किलोमीटर है, तो आपको कीपैड पे 1852 ही टाइप करना होगा, या नहीं तो आप 1900 भी टाइप करेंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आपको निकटतम बताना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछने, अगर आप इस तरह के ये तीनों सवाल क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये कहा जाएगा कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको थर्ड राउंड के लिए 10 दिनों के अंदर आपको फ़ोन फिर से किया जाएगा, उसके बाद आपका फ़ोन समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और रात को 9 बजे मैं KBC का आंसर लेकर आती हूँ, फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।